अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। क्राइम ब्रांच यूनिट 9 को एक बड़ी कामयाबी मिली है। महज 5 घंटों में ही घर फोड़ी करने वाले दो शातिर चोरों को धर दबोचा है। क्राइम ब्रांच 9 के पुलिस नायक सचिन राउत को जानकारी मिली के वर्ली सीलिंग नरगिस दत्त नगर बांद्रा ईस्ट में घर फोड़ी करने वाले आरोपी आने वाले हैं। पुलिस नायक सचिन राउत ने फौरन अपने सीनियर पीआई देसाई को बताया, जिस पर सीनियर पीआई देसाई के मार्गदर्शन में पीएसआई विजेंद्र आमवाड़े की टीम के साथ जाल बिछाकर दो लोगों को माल के साथ ताबे में लिया और उन्हें क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के ऑफिस में लेकर आए, जहां उन दोनों से सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने बताया 2 अप्रैल को रात 5 बजे नरगिस दत्त नगर की झोपड़पट्टी में 3 घरों में चोरी की है। इस मामले की जानकारी क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने बांद्रा पुलिस स्टेशन से मांगी, जहां ये बात सही साबित हुई। बांद्रा पुलिस स्टेशन में 2 अप्रैल को घर फोड़ी की शिकायत आईपीसी की धारा 497-380 के तहत दर्ज हुई थी। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के नाम सलमान अकबर शेख 21 साल, इसके पास से सोने के जेवर मिले हैं। दूसरा आरोपी का नाम इरफान शेख 19 साल है, इसके पास से कैश मिला है। दोनों आरोपियों से पुलिस ने 2,85,000 के सोने के जेवर और कैश रकम जब्त की है। तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।